Hello friends, in this video I am going to explain you valuation of goodwill from capitalization method. Hello दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे. मैं शोभित कुमार चौधरी आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट हवेली पर. उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे. एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो. साथ में अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें देते रहें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताएं आज आपने कितना सीखा, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया या कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको फिर से बताना है या किस टॉपिक पे आप वीडियो पहले चाहते हैं. जैसा भी आपके मन में जो भी शंका, जो भी सजेशन या जो भी डाउट हो हमसे जरूर पूछें, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें. साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9555851071, आप इसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज, अपने सजेशन हमें भेज सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बारे में कि आज हमने पढ़ना था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन मेथड. आज हम पढ़ेंगे, आज हमें मेरे बच्चा पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन मेथड. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम गुडविल का वैल्यूएशन किससे कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से. इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे मेरे बच्चा. एक तो हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, मींस हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं, उससे गुडविल निकाल लेते हैं. और एक तरीका इसमें होता है मेरे बच्चा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. एक तरीका होता है कि हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें. मींस दो तरीके के कैपिटलाइजेशन की बात यहाँ पर हो रही है. एक में एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन की बात वो आपसे कर रहा है और दूसरे में सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा है. ए और बी का नाम देते हुए इसको नामकरण कर दिया हमने ए और बी. तो अब ए को पढ़ते हैं जरा कि ये क्या बकवास है, क्या है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे हम इस मेथड से गुडविल. सिंपल है, कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. टेंस मत हो, चाहे सेंटेंस हो जाना, टेंस मत होना मेरे बच्चा. बहुत आसान लड्डू मेथड है, वेरी लड्डू मेथड. तो इस मेथड में मेरे बच्चा हमें गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इस मेथड में हमें करना पड़ता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू. कौन सी वैल्यू? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स. कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, या हम इसको बोल सकते हैं मेरे बच्चा एक्चुअल कैपिटल, या आप इसको बोल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह ही है ये भी. तो नई बात ये निकल के आई सर कि दो चीज़ हमें सीखनी पड़ेंगी अब. पहली ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है और दूसरी फिर ये नेट एसेट्स, एक्चुअल कैपिटल और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह है ये कैसे निकाला जाएगा. तो मेरे बच्चा पहले मैं यही निकाल देता हूँ कि नेट एसेट्स आप कैसे निकालेंगे, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट्स, उसी के बारे में बात कर लेते हैं. तो जल्दी से आप लिखो टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स बराबर टोटल एसेट्स, बट मेरे बच्चा एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड, एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टीशियस एसेट्स. किस किस को छोड़कर? गुडविल और फिक्टीशियस एसेट्स को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स हमें ले लेनी है. ठीक है मेरे बच्चा, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टीशियस एसेट्स, मतलब हमें गुडविल और फिक्टीशियस एसेट्स को नहीं लेना, बाकी सारी एसेट्स को ले लेना है. फिर
फिर आप क्या करेंगे, इन टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज को, किसको माइनस कर देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज को। हमें टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स को, गुडविल को नहीं लेना। साथ में एक चीज और लिखो, कभी कभी ये भी गिवन होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी हमें कंसीडर नहीं करना है। टोटल एसेट्स में हमें गुडविल नहीं लेनी, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी। इन सबको छोड़कर सारी एसेट्स ले लेंगे, फिर हम माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटी। इससे पहले भी फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बताएं सभी बच्चे कि फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सी होती है। मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, क्या होता है मीनिंग, आप क्या समझते हैं, या उसके एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं। माइनस कर देंगे वहाँ से आउटसाइड लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी, या एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इनको आउटसाइड लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी बोलते हैं। उसके बाद बात आती है कि सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो आपने हमें बता दिया, ये तो सिंपल था। जरा आप हमें ये तो बताओ कि अब ये तो सिखा दो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकाली जाती है। हाँ मेरे बच्चा, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी हम जिंदा हैं। देखो जरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, देखो मेरे बच्चा, एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, आप समझते हो ना। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कब बोलता हूँ मैं, जब एवरेज प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हूँ, जब प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हूँ, जैसे अबनॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल इनकम, अबनॉर्मल एक्सपेंसेस, या कोई ऐसा नॉर्मल एक्सपेंसेस जो अभी तक कंसीडर नहीं किया गया हो या अकाउंटेंट भूल गया हो, तो उन सभी को प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, बेटा मैं एवरेज प्रॉफिट भी लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ये मान लिया कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट होगी तो आप एवरेज प्रॉफिट को ही मानोगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। यानी कि मैं अगर एवरेज वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट, तो आप समझ जाओगे कि एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट की बात ही चल रही है, FMP की बात ही चल रही है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो रेगुलर प्रॉफिट फर्म्स के हैं उन्हीं की बात चल रही है। तो इसको दिमाग में रखकर चलोगे, कन्फ्यूज मत होना। हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, या इसको वो रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकता है। क्या बोल देता है, रेट ऑफ रिटर्न। कहने का मतलब ये है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मेरे बच्चा, वो प्रॉफिट जनरेट करती है, वो अपनी कैपिटल का 10% 12% 20% 25% 30% ऐसे होता है। तो जब हम कैपिटलाइज की वैल्यू की, जब हम कैपिटलाइज वैल्यू की बात करते हैं, तो हम सिंपल सी बात ये कर रहे हैं कि हम उस प्रॉफिट को 100% पर ले जाते हैं। हम उस प्रॉफिट को कितने पे ले जाते हैं, 100% पे ले जाते हैं। जैसे देखें, मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट जो मेरा है ये 10% या 12% के बराबर, ठीक है, यानी कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए 12% हमें, 12% हमें ये जो प्रॉफिट मिला है ये 12% है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये 12% है तो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, इतना प्रॉफिट लगाने के कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल निकालनी पड़ेगी, हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कहा हे प्रॉफिट, अगर आप 10% हो तो आप 100% पे कितना होगे, और वो जो 100% निकल के आएगा वो कैपिटल की वैल्यू होगी जिसे कमाने के लिए हमें इतने परसेंटेज या इतने प्रॉफिट की ज़रूरत होगी।
जैसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ऐसे समझो कि मेरा 2 लाख का प्रॉफिट है। ढंग से देखना, अब ये 2 लाख का प्रॉफिट 10% के हिसाब से सभी कमा रहे हैं, तो इसका मतलब फर्म ने कितने की वैल्यू लगानी पड़ेगी? 20 लाख। देखो ये कैपिटलाइज वैल्यू मैंने निकाली है, इसको हटा लो। क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज प्रॉफिट 2 लाख का, और कह रहा है जो लोग कमाते हैं नॉर्मली वो 10% कमाते हैं। तो मैंने कहा 10% कमाया 2 लाख के बराबर, तो ये 100% पे कितना होगा? निकल के आया मेरा 20 लाख। इसको अब ऐसे समझो, मैं ऐसे कहता हूँ कि 20 लाख रुपए लगा के मैं 10% कमाता हूँ, तो कितना कमा लेता? 2 लाख। कितना कमा लेता? 2 लाख। दैट मीन्स कि हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं, इस परसेंटेज को इस प्रॉफिट से कंपेयर करके हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल लगाने की नीड होती। जो प्रॉफिट हमने कमाया है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए नॉर्मली कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है हमने कम कैपिटल लगा के ये प्रॉफिट कमा लिया हो। अब हम नॉर्मल लोगों को देख रहे हैं कि नॉर्मल लोगों को अगर हमारे जितने 2 लाख कमाने हैं, क्योंकि मार्केट में 10% की ही अर्निंग वो मिल पाएगी उन्हें। मेरी अर्निंग कितनी है, ज़्यादा कम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मार्केट में लोग 10% ही कमाते हैं, मैंने 2 लाख रुपए कमाए हैं, तो मेरे जितने 2 लाख रुपए कमाने के लिए मेरे जितने 2 लाख रुपए कमाने के लिए उन लोगों को 20 लाख की कैपिटल लगानी पड़ेगी। जब वो 20 लाख की कैपिटल लगाएंगे और उस 20 लाख का 10% अर्न करेंगे, तो उनकी भी अर्निंग मेरे बराबर 2 लाख आ जाएगी। इसको बोल रहे हैं वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या बोल रहे हैं इसको मेरे बच्चा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मेरी बात समझ में आई, मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने क्या कर लिया? अपना प्रॉफिट रखा, उसको डिवाइड कर दिया रेट ऑफ रिटर्न से या नॉर्मल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये निकल के आई हमारी कैपिटलाइज वैल्यू। इसको सिंपल वर्ड्स में मैं कैसे याद रखूंगा कि मेरे जितना 2 लाख कमाने के लिए लोगों को कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ेगा? उनको कैपिटल लगानी पड़ेगी साहब 20 लाख की। लोगों को 20 लाख की कैपिटल लगानी पड़ेगी नॉर्मली उतना प्रॉफिट कमाने के लिए जितना मैं कमाता हूँ। तो लोग मार्केट में नॉर्मली 10% ही प्रॉफिट कमा पाते हैं, पर मैंने 2 लाख का कमाया है। मैंने अभी तक ये बात नहीं करी कि मैंने कितनी कैपिटल लगाई, मैं उस पे यहाँ नहीं जा रहा। मैंने कितनी कैपिटल लगाई भाड़ में जाए, मैं लोगों से कह रहा हूँ सुनो, इस मार्केट में सभी लोग, या ये मार्केट का कल्चर कहता है सभी लोग 10% कमाते हैं। सुनो बे सुनो, मैंने 2 लाख कमाए, 2 लाख बताओ जरा मेरे 2 लाख। ये मत देखो मैंने 10% कमाया, 12% कमाया, 15% कमाया, भाड़ में जाओ भूल जाओ। ये बताओ जरा अगर तुम्हें 2 लाख कमाने हैं तो तुम्हें कितनी कैपिटल लगाने की जरूरत पड़ेगी? उन्होंने जल्दी से कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दी मेरे प्रॉफिट की अपनी परसेंटेज के साथ या मार्केट की रेट ऑफ रिटर्न के साथ, और कहा अगर हम 20 लाख रुपए लगाएंगे, अगर हम 20 लाख रुपए लगाएंगे तो हम 2 लाख रुपए कमा पाएंगे चौधरी साहब। हम 20 लाख लगा के 2 लाख कमा पाते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा बात है, ऊपर आओ। नेट एसेट्स, एक्चुअल कैपिटल, नेट एसेट्स और एक्चुअल कैपिटल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने रियल में कितनी कैपिटल लगाई है, मेरा रियल में इन्वेस्टमेंट कितना। मतलब मैंने जो ये 2 लाख रुपए कमाए हैं वो इतनी कैपिटल को लगाकर कमाए हैं, इतनी नेट एसेट्स के बाद मैंने 2 लाख रुपए कमाए हैं। लोग ये 2 लाख रुपए कमाने के लिए 20 लाख रुपए लगाते हैं। समझ के चलो ऐसे कर लेते हैं। मैंने कहा भाई हमारी जो टोटल एसेट्स हैं इन फिक्टिशियस गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा के 18 लाख रुपए की है। कितने की है? 18 लाख रुपए की। उसमें से 5 लाख की आउटसाइड लाइबिलिटी भी है। कितने की आउटसाइड लाइबिलिटी है? 5 लाख की आउटसाइड लाइबिलिटी है। जल्दी से बताओ कितना आया? इसका मतलब 13 लाख की हमारी एसेट्स है। इसका मतलब 13 लाख, बड़ों से तमीज में, तहजीब में बात करते हैं मेरे बच्चा, 13 नहीं, नोट 13, 13 आपका। दैट मीन्स आपका लाख लगा के 13 लाख रुपए लगा के हम कमा लेते हैं।
साहब, हाँ भाई मार्केट वालों, तुम्हें 2 लाख कमाने हैं तो कितना लगाओगे? 20 लाख। यही तो भाई का जलवा है, यही तो हमारा जलवा है, यही तो चौधरी साहब का जलवा है कि वो जितना लोग 20 लाख लगा के कमा लेते हैं उतना चौधरी साहब 13 लाख रुपए लगा के कमा रहे हैं साहब। अरे वाह, इसका मतलब कम पैसा लगा के ज्यादा कमा रहे हैं। लोगों को मेरी बराबरी करनी है, मेरे जितना प्रॉफिट कमाना है तो उन्हें 20 लाख लगाने पड़ेंगे। उनके उतने प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू जितना मेरा है, उतने प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू जितना मेरा है। मेरा प्रॉफिट 2 लाख का, 2 लाख कमाने के लिए लोगों को 20 लाख लगाने पड़ते हैं। तुम्हारे भाई ने 2 लाख, 2 लाख लगाकर तुम्हारे भाई ने क्या किया है? 2 लाख लगाकर, 2 लाख सॉरी 2 लाख कमाकर तुम्हारे भाई ने क्या किया मेरे बच्चा? 2 लाख रुपए कमा लिए। कितने कमा लिए? 2 लाख रुपए कमा लिए। कितने लगाकर? केवल 13 लाख लगाकर। अब सोच कर देखो, मैं लोगों से ज्यादा कमा रहा हूँ तो मेरी गुडविल है, इसलिए तो कैपिटलाइजेशन किया है। मेरे जितना कमाने के लिए लोग कितना लगाते हैं, मैंने कितना लगा रखा, लोग ज्यादा लगाते हैं, मैंने कम लगा रखा, कम लगा के उतना ही कमा रहा हूँ जितना लोग ज्यादा लगाकर कमा रहे हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट था, कैपिटलाइजेशन वैल्यू थी उसके, और उसके बीच के अंतर को मैंने कहा गुडविल हो गई, कैपिटलाइज वैल्यू हो गई, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकल गई मेरी। ठीक है मेरे बच्चा, तो इसका मतलब सिंपल सी बात, ये एक्सप्लेनेशन थी समझने के लिए। बाकी नॉर्मल बातें फॉर्मूला बेस्ड भी रहो, लेकिन एक दिमाग में थोड़ा व्यू बन जाता, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बन जाती है, उसके लिए थोड़ा बताया आपको। जल्दी से बताओ, समझ गए मेरी बात? मजा आ गया बात में कि बड़ा आसान था ये तो? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बहुत आसान है, इससे भी आसान है। जल्दी से लिखो, जल्दी से नोट डाउन करो, किसका कैपिटलाइजेशन करना है मेरे बच्चा? अब किसका कैपिटलाइजेशन करना है? अब किसका कैपिटलाइजेशन करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, शिल्पा शेट्टी मेथड, सुपर से भी ऊपर मेथड, मीन शिल्पा शेट्टी मेथड। सर इस मेथड से गुडविल कैसे निकलती होगी? शिल्पा शेट्टी मेथड से? तो बेटा शिल्पा शेट्टी मेथड से गुडविल निकलती है, गुडविल इज इक्वल टू, इस बार कर देंगे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है मेरे बच्चा, सिंपल है। सुपर प्रॉफिट में क्या कर दिया? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। जहां एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट था वहां क्या कर दिया हमने? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे। लेकिन बात तो यही है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता जानते हो? कोई नई बात नहीं है, सुपर प्रॉफिट निकालना जानते हो? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जानते हो नॉर्मल प्रॉफिट भी कैसे निकलता है? कोई नई बात नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। सब सिंपल है, रिपीट हो रहा, देखो यहाँ से रिपीट हो रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये वाले स्टेप सुपर प्रॉफिट मेथड में भी करके आए। जैसे कैपिटलाइजेशन लग गया तो एक गुडविल इक्वल टू बदल गया, पहले था गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इस बार क्या हो गया? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। बस बाकी सेम है, सुपर प्रॉफिट ऐसे निकल रहा है, एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन
हंड्रेड कोई नई बात नहीं है, सब मजे मजे वाली बात है। अब ये मत कह देना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बहुत तरीके। कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अभी पीछे भी तो बताया है मेरे बच्चा, टोटल एसेट्स में क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं आपसे पूछता हूँ। टोटल एसेट्स में क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में टोटल एसेट्स में क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं कमेंट करके बताओ जरा। आउटसाइड लाइबिलिटी को एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सिंपल है। क्या करोगे सर? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। या कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा होगा तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर गुडविल वाला मेथड लगा देंगे। सिंपल सा, वेरी इजी, वेरी इजी, सिंपल, बहुत सिंपल। अकाउंटिंग इज सिंपल, अकाउंटिंग इज लड्डू, ले डे डे ऊ, लड्डू छोटा तो नहीं आता, लड्डू हलंत लगाया है। हलंत मतलब आधा है, डे डमरू आधा डमरू, बहुत लड्डू कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े सिंपल से बात हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गए गुडविल के सारे मेथड, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसके बाद मैं गुडविल की क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड कराऊंगा, बाकी सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की अपडेट्स और हमारी बुक के अपने क्वेश्चंस, ये सब कुछ करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन स्मार्ट क्लासेस द लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत नॉमिनल अमाउंट पे करके सारी के सारी लेक्चर सीरीज मिल जाएंगी, कॉन्सेप्चुअल व्यू भी मिलेगा, डाउट सेशन भी आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी वहाँ पर मैं कराता हूँ, रेगुलर लाइव क्लासेस लेता हूँ। यहाँ यूट्यूब पे भी हम लाइव या प्रीमियर चलाते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि बाकी स्कूल वगैरह में आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर लेते हो, थोड़े बहुत डाउट आपका स्कूल वाला भी मास्टर ले लेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए हम आपको यहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स करा देते हैं। ऐसा नहीं है पास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मैं यहाँ कराऊंगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा स्पेशल, जैसे पास्ट ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन ऑफ गुडविल, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन, सबकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अभी जो प्लेलिस्ट बना रखी है वो कॉन्सेप्ट्स की बना रखी है, उसके बाद मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। उनको पढ़ने के बाद भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, 70+ में जा सकते हैं। अगर आप और अच्छे से करना चाहते हैं, 100 out of 100 चाहिए आपको, 90-95+ चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी नॉमिनल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स परचेज करके हमसे पढ़ सकते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन भी वहाँ पर दे रखा है, ईयरली सब्सक्रिप्शन भी है, फुल कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, मंथली ले सकते हो, ईयरली ले सकते हो, वाट एवर जो आपकी नीड है एज़ पर योर नीड। और जल्दी आपको वहाँ इकोनॉमिक्स और मैथ्स की क्लासेस का अपडेट भी आ जाएगा, तो आप इकोनॉमिक्स और मैथ की क्लासेस भी ले सकते हैं। ज़रूर कमेंट करें, हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अपने सजेशंस हमें देते रहिए, नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमें मिलते रहें। अभी हमारे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, फिर भी ग्रोथ हमारी अच्छी है, और फास्ट ग्रोथ के लिए आप जल्दी से जल्दी लोगों तक शेयर करें, ताकि हमें सब्सक्राइब करें लोग। तब तक के लिए घर रहिए, मज़े में रहिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए अकाउंट्स हवेली।